एवरीवन, मैं मानी स्वागत है आपका टेस्टी टेबल में। और आज हम अपने किचन में बनाएंगे चिकन ग्रेवी। बहुत ही सिंपल एंड इजी तरीके से मैं लेके आई हुई चिकन की रेसिपी। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी। हमारे घर में जो भी ट्रेडिशनल कढ़ाई है वो आप ले लीजिए, चाहे तो नॉन स्टिक में बना लीजिए, चाहे आपके पास जो भी अवेलेबल आप बना लीजिए उसमें। और 2 चम्मच बड़े सरसों ऑयल डालना है, उसको अच्छे से गर्म होने दीजिए और टेम्परेचर नॉर्मल होने दे दीजिए। तो 3 मैंने हरी इलायची लिए हैं ग्रीन वाली, और 2 तेज़पत्ते, 1 चम्मच शाही जीरा, 2 दालचीनी के टुकड़े और कुछ पत्थर फूल। तो ऑयल हमारा गर्म हो गया है और इसमें मैंने सारे खड़े गर्म मसाले डाल दिए हैं। बस 2 से 3 मिनट हमने उसको फ्राई होने देना है खड़े गर्म मसालों में। और ये 3 से 4 मैंने स्लाइस में प्याज कट कर लिए हैं, इसको थोड़ा सा फ्राई होने देंगे, थोड़ा सा कलर चेंज होने देंगे हम अपने प्याज का। तो थोड़ा सा फ्राई हो गया है। अब जो ये मेरे पास 1/2 kg चिकन था, 1/2 किलो मैंने चिकन ले रखा था, तो बस इसमें मैंने डाल दिया है। गैस की जो फ्लेम है उसको हाई रखना है और इसको फ्राई होने देना है प्याज के साथ और खड़े गर्म मसालों के साथ। तो इससे जो टेस्ट है और जो खुशबू है वो बहुत ही अच्छी आती है चिकन में। तो इस तरह से हमने फ्राई कर होने देना है। तो बस ये फ्राई हो गया है। अभी 2 चम्मच भर के मैंने घर का ही है जिंजर गार्लिक पेस्ट बना के रखा था, तो वो मैंने डाल दिया, ऐड कर दिया है। तो अभी फिर से इसे मिक्स कर देना अच्छे से। इस तरह से मिक्स कर दी से 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से और फ्राई होने देंगे हम। अपने जिंजर गार्लिक पेस्ट जो डाला है, लहसुन अदरक का पेस्ट, तो वो भी अच्छे से फ्राई हो जाए। तो 2 से 3 मिनट अच्छे से पकाना है। देखो चिकन का कलर जो है वो चेंज हो गया है, ये देखिए। तो इस तरह से फ्राई होने देगा देना है। तो चिकन हमारा फ्राई हो रहा है, ऑयल भी अच्छे से छोड़ दिया है, देखिए। तो अब कुछ मसाले डालना है। तो मैंने स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है, फर्स्ट 1/2 चम्मच हल्दी डाल दी है मैंने, 1/2 चम्मच भर के हल्दी डाल दो। और अब रेड चिल्ली पाउडर, ये घर की पिसी हुई है, लाल मिर्च, तो 2 चम्मच भर के मैंने ये डाल दिए। 1/2 चम्मच कश्मीरी मिर्च डाली है और 1 चम्मच भर के मैंने धनिया पाउडर डाला है, घर का पिसा हुआ है। और ये मैं अपना गर्म मसाला डाला है 2 चम्मच भर के। और ये कुछ मैंने कसूरी मेथी डाली है, इसको ऐसे ही डाल दीजिए, ऐसे ही भून जाएगी आपके चिकन के साथ। तो थोड़ा सा मैंने 1 चम्मच समथिंग कसूरी मेथी भी डाल दी है। तो ये सारे मसाले अच्छे से भूनने देंगे 2 से 3 मिनट और, ताकि कलर अच्छा आ जाए, टेस्ट अच्छा आए, थोड़ा सा जो मसाले का जो कच्चापन है वो अच्छे से भून जाए। और बस ये 3 टमाटर मैंने ले लिए थे, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिए, मैंने पीसा नहीं है। अब चाहे तो पीस के डाल दीजिए, ग्राइंड करके डाल दीजिए, मैंने इसे चॉप करके डाला है चॉपर में। तो बस इसे अच्छे से फिर से हम मिक्स कर देना है हमने, ये देखिए, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और जब सूखे मसाले डालें तो गैस की जो फ्लेम है उसको कम कर दे, और टमाटर जब डालते हो तो गैस की फ्लेम हाई कर दे। और मसाले अच्छे से पक गए, तेल छोड़ दिया है। 2 चम्मच मैंने दही डाला है ताकि जो हमारी ग्रेवी है उसमें थोड़ा सा रिचनेस आ जाए और अच्छे से थिक सी बन जाए, ये देखिए कितना अच्छे से। अभी मैंने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है, तो कितने अच्छे से ग्रेवी कोटिंग हो गई, हमारे जो चिकन पे कोट हो गया है पूरा मसाला। तो यही चाहिए था हमें, ताकि कोट हो जाए। और कम से कम 20 से 25 मिनट इसे फ्राई होने देना है, पकने देना हमारे चिकन को। गैस की फ्लेम मीडियम या कम करके आप सिम पे करें और पकने दीजिए आप चिकन को, तो आराम से अच्छे से पक जाएगा, गल जाएगा। तो ये इस तरह से पकाना है। तो चिकन बनके रेडी हो गया गैस। 20 से 25 मिनट लगेंगे पकने में इसे, तो इसे पकने देना है 20 से 25 मिनट और चिकन बनके रेडी हो जाएगा। तो इतने अच्छे से ग्रेवी कोट हो गई है, अच्छे से दिख रहा है और खाने का टेस्ट भी बहुत अच्छा था। तो गाइस, आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, एंजॉय करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। बाय बाय।